हाय दोस्तों, आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि हम किस प्रकार सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के लिए आवश्यक सामग्री का उपयोग करते हैं। अब हम इसके बारे में इनके मान कैसे निकालते हैं, इसकी तैयारी करने के लिए ये सामान को सेट करते हैं। आज हम इसके बारे में इसके मान निकालने के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमें समतल तख्ता लेना है, इसको इस पृष्ठदर्शी की सहायता से देखना है कि ये समतल रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। इसके लिए जो पानी की ड्रॉप है वो एकदम बीच में आनी चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी ये ड्रॉप साइड में है। अब जब हम इसके ऊपर इसको रखते हैं तो ये ड्रॉप बिल्कुल बीच में आ जाती है, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये हमारा बिल्कुल सही से रखा हुआ है। इसके बाद हमने पिछली वीडियो में गुटके का मान निकाला था, तो इसका मान निकालने पर ये 15 ग्राम आया था, पल्ले का भार 2 ग्राम आया था। अब हम इसको सही से सेट करेंगे। इसके मान निकालने के लिए हमें आवश्यक सारणी की आवश्यकता, एक हमें इस प्रकार की सारणी बना लेनी है जिसमें इसमें पहले क्रमांक, ब्लॉक का भार और पल्ले का भार, कुल द्रव्यमान, पल्ले पर आरोपित कुल बल और गतिक घर्षण गुणांक के बारे में लिखना है। तो जैसा कि हमने आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने लकड़ी का ब्लॉक का द्रव्यमान 15 ग्राम निकाला था और पल्ले का द्रव्यमान 2 ग्राम, इसके लिए हमने इसको सेट कर लिया है। ब्लॉक पर हमको एक भी मान अभी नहीं रखे हुए हैं, इसीलिए ब्लॉक पर मान हम 0 लेंगे एवं पल्ले पर हमें मान रखना है जिससे ये गति करने लगे। तो पल्ले, जैसा कि हम आप देख रहे हैं कि इसमें 10 ग्राम का बांट रखेंगे जिससे ये गति करने लगे, तो ये गति करने लगता है। अर्थात हम इसको अब अपनी सारणी में रखेंगे तो ब्लॉक पर रखे हुए भार का मान कितना है, 0, पल्ले पर 10 ग्राम, कुल भार 10 प्लस 5, पल्ले का भार इसमें ऐड कर देना है तो 15, और पल्ले पर आरोपित भार 10 प्लस 2 12। इसके बाद इनका अनुपात निकाल देना है, 12/15 काटेंगे 0.8 आएगा, 8 आएगा। इसी प्रकार हमने बाकी मानों को निकाल लिया है, आप भी अपन मान निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हमको एक ग्राफ खींचना है जिसके लिए हमें ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। हमने जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ग्राफ खींच लिया, इसके लिए एक्स वाई अक्ष की आवश्यकता होगी और मान इस प्रकार रखना है कि हमारी ये रेखा एकदम सीधी हो, जिससे ये सिद्ध होता कि हमारा प्रयोग सही है। इस प्रकार आप हमारे इस वीडियो की सहायता से जान सकते हैं कि आप कैसे सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बीच अध्ययन कर सकते हैं और इनके मानों के बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद।